जी गाइस कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो को एक सेकंड स्किप मत करिएगा, बहुत सारी चीजें आपको पता चलने वाली है। सबसे पहले क्या कस्टम पैक में अगर हम यूसी परचेस करेंगे तो यूसी अपने अकाउंट होगा या फिर नहीं होगा, लाइव प्रूफ के साथ बताने वाली हूँ। दूसरी चीज यहाँ पर आप देखो, 7 दिन अगर आप अपनी आईडी बंद करते हो ना तो जितनी यूसी आपको मिलने वाली होती है ना डेली बेसिस पर, वो सारी एक साथ मिल जाती है। ये चीज आपको क्लियर हो गई है। आज हम परचेस करने वाले हैं प्राइम प्लस, और बहुत सारे लोगों को डाउट आता है ना ये वाला नोटिफिकेशन शो होता है या प्राइम प्लस परचेस नहीं करता होता है, तो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि आईडी चेंज कर लो, फोन दूसरा ले लो, मम्मी डैडी के फोन में ट्राई कर लो, उसके अंदर भी आपका जो है ये परचेस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो मैंने दूसरा फोन पे ट्राई किया है सब्सक्रिप्शन लेने का, तो यहाँ से आप जो है परचेस कर लो तो इजीली आपका परचेस हो जाएगा। मैं भी लाइव प्रूफ के साथ आपको बताती हूँ यही परचेस करके। लेकिन मान लो अगर आपको इससे भी परचेस नहीं हुआ ना, तो आप एक और ट्रिक लगा सकते हो। सिंपली जहां से आपने सब्सक्राइब करके रखा है ना, वहां सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दो प्ले स्टोर पर। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, अगर मेरे पास टाइम होगा तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आपके स्क्रीन पर ये रहा, हमें 300 यूसी मिल चुकी है, डेली आप 5 यूसी लोगे यहाँ से, और कुछ आरपी के पॉइंट्स और कुछ एजी करेंसी। ये हो गया आपका प्राइम प्लस। अच्छा जी, इन गेम आ चुका है यूसी अप, एंड अगेन वही सारी चीजें यहाँ पर दे दी है। मतलब ये कि इन लोगों ने पहले आदत दिलाई थी कि यूसी अप की आप यूसी परचेस करो 60 यूसी तो आपको 60 यूसी मिल जाएगी, 300 परचेस करो तो 200 यूसी मिल जाएगी। पहले आदत दिलाया उसके बाद इसको चेंज कर दिया गया, ये तो गलत बात है। अब इन लोगों ने क्या किया है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है यूसी अप का। अब ये लोग जो अल्टीमेट आएंगे ना उनके साथ में ये लोग यूसी अप दे देंगे, ताकि अगर आपको वो अल्टीमेट स्पिन करना है तो आप ये कर लो। एक्स सूट आएगा या फिर सुपर कार आएगी तो उसके साथ में ये लोग यूसी अप दे देंगे। तो मोस्टली मान के चलो अब से आपको 3 यूसी अप देखने को मिलेगा। लेकिन 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 मैंने आपको अगर याद हो तो बताया था कि ये यूसी अप आपको अल्टीमेट के साथ दे सकते हैं, जो कि आपको 27th या 28th को जो आने वाला है उसके साथ देंगे, या तो एक और 7 के बीच में दे देंगे। मैं तो राइट हो गई, अब इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आने वाले यूसी अप की एक्सपेक्टेड डेट या रिलीज डेट सब आपको पता चल सकती है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो। लेकिन ये जो आपको स्क्रीन पर अल्टीमेट सेट आ रहा है, ये काफी सारे लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि इसके अंदर रिडीम सेक्शन में M4 टाइडल है। लेकिन उससे पहले ये जो इवेंट चलने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हो अराउंड 1 महीना या 31 दिन तक के आपका ये इवेंट चलने वाला है, जहाँ आप डेली 10 यूसी का अगर स्पिन करते हो तो आप 31 या फिर 30 आप जो है स्पिन कर सकते हो। तो डेली यहाँ पर 10 यूसी का मिलने वाला है। इन केस अगर आप आज प्राइम प्लस परचेस करते हो ना, आज के आज, तो आपको 2 प्राइम प्लस परचेस करने के हाई चांसेस है कि वो मिल जाएगा, क्योंकि प्राइम प्लस की जो डेट होती है ना वो 28 डेज का होता है। तो अगर आज आप परचेस करते हो ना, तो मान के चलो ये आपका जो है नेक्स्ट 28 डेज बाद भी ऑटो रिन्यू हो जाएगा, ये समझ गए। अच्छा जी, अगर यहाँ पर प्राइम प्लस आप परचेस करते हो तो एज अ लक आपको जो है, मैं आपको पूरा लाइफ प्रूफ के साथ बताने वाली हूँ कि कितनी यूसी तक आपको लग सकती है अगर आप M4 टाइडल यूज करना चाहते हो। तो ये लक वाला जो सिस्टम है वो पूरे में आपको 2 आपको जैम देखने को मिल सकता है। तो अगर आप इस जैम से रिडीम करोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो रिटर्निंग एक्सचेंज में, तो यहाँ पर आपको 3 जैम से मिल जाएगी ये वाली M4 टाइडल। लेकिन ये M4 टाइडल तो आप ले सकते हो, आने वाले अपकमिंग जो रिटर्न गन है ना वो आप देख लो पहले। तो सबसे पहले जो रिटर्न में आउटफिट आने वाला है वो ये आने वाला है स्क्रीन पर, दूसरा जो आउटफिट आने वाला है वो ये आने वाला है, और इसके साथ में जो अपग्रेडेबल गन थी ना वो भी आपको देखने को मिलेगी। ये 3.4 अपडेट की है। मान लो अगर आपको M4 टाइटल के अलावा ये वाली गन अच्छी लग जाती तो आप इसके लिए वेट कर लो 3.4 अपडेट के लिए। तो ये वाला आउटफिट आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहां पर आप देखिए। अच्छा, अब ये लोग पहले सिर्फ गन देते थे ना रिडीम सेक्शन में, अब ये लोग पूरा आउटफिट पूरा सब कुछ देते हैं, ताकि अगर आपने परचेस पहले नहीं किया तो अब जो है कम यूसी में परचेस कर सकते हो। तो ये वाली जो गन आपको ऑर्क की स्किन मिल रही है, ये आपको 3.4 अपडेट में देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी मैं आपको ट्रिक बता दूं वो वाली। अच्छा, ये वाले में साथ आप ये वाली क्रेट देख सकते हो, ये क्रेट है, ये इसका हीट इफेक्ट है, और ये एंट्री इमोट है। इसके साथ में आपको ग्लाइडर भी देखने को मिल जाएगा, ये देखिए कुछ इस तरह का, और साथ ही साथ बाइक की स्किन आने वाली। लेकिन सबकी अलग क्रिस्टल लगेंगे, उससे आपको जो है इसको रिडीम करना पड़ेगा। ये रही फर्स्ट अल्टीमेट की रिडीम सेक्शन में जो रिटर्न आने वाला है, ये आपका सेकेंड जो आपका अल्टीमेट आएगा ना 3.4 अपडेट में, उसके रिडीम सेक्शन में आपको ये देखने को मिल जाएगी। जस्ट बिकॉज ये हेलोविन से रिलेटेड आने वाला है, ठीक है, तो आपको पीछे देखो यही वाली क्रेट इन लोगों ने रिटर्न में दी है। तो यहाँ पर आपको ग्रोजा की स्किन मिल जाएगी। अब अगर एज अ कंपेरिजन मैं करूँ ग्रोजा और ऑग से, तो ये आउटफिट आप देख सकते हो, तो उसके कंपेरिजन में M4 टाइडल आपके लिए बेहतर होगी। आप इसको ले लो, अगर आपने आपके पास कोई भी अपग्रेडेबल गन नहीं है और आप यूसी परचेस करना चाहते हो तो। अदरवाइज मैं आपको नहीं कह रही हूँ कि आप जाओ M4 टाइडल लो, अगर आपके पास कोई अपग्रेडेबल गन नहीं है ना तो भी आप स्किल्स के साथ इंजॉय करके गेम खेलो। बाकी
कि जरूरी नहीं कि आपको यूसी परचेस करना है, जरूरी नहीं कि आपको अपग्रेडेबल गन करनी है, समझ रहे हो? तो ये सिर्फ उनके लिए जिनके पास बड़ा ही पैसा है, तो आप वो कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको कंफर्म बता दी 3.4 अपडेट की। अब ये जो मैंने आपको बताई थी ना स्टार सी एडमायरल, तो ये आपको हाई चांसेस है कि 3.5 अपडेट में देखने को मिले। लेकिन हर अपडेट में दो गन्स रिटर्न होकर आती है, एक तो ये आएगी और इसके साथ में कौन सी आएगी वो अभी कंफर्मेशन नहीं मिली है। वो चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, दूसरी जो आपकी ये वाली मैंने बताई थी ना वंडरिंग टायरेंट, ये भी कंफर्मेशन 100% है कि ये रिटर्न होने वाली है। तो ये जो है आपको 3.6 अपडेट में देखने को मिल जाए, क्योंकि वो उससे थीम से मिलती जुलती है। तो ये एक रिटर्न होगी, और जो दूसरी गन आने वाली उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो जब वो आ जाएगी तो मैं आपको बता दूंगी। और ये जो है एकदम मान के चलो 100% है, ताकि आपको ये लेना है तो मैं ये वाला M4 टाइटल ना लूं, क्योंकि BGMI PUBG वाले कुछ भी एंड मोमेंट में कर सकते हैं। जो कंफर्मेशन मिली वो मैं आपको बता दूं। अब यहाँ पर अपने पास है 18 वाउचर्स जिससे हम स्पिन करने वाले हैं, और लेट्स सी कि ये 18 वाउचर्स लगा करके हमारा लक कहाँ जाता है। तो एज एक एक्सपेक्टेड कि आप कितनी यूसी लगा करके M4 टाइटल ले सकते हो। तो सबसे पहले दिन का पहला स्पिन 10 यूसी, और एज यूजुअल हमें मिल चुका है ये, ठीक है। अच्छा जी, ये तो फर्स्ट मिल चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसके पीसीज है। अगर आपके पास 50 होगा तो आप एक जैम बना सकते हो। उसके बाद 10 यूसी का वापस से ट्राई करते हैं। ओके, मतलब ये जो हमारे प्राइम प्लस 449 का जो हमने प्राइम प्लस लिया था उसके पैसे हमें आ चुके हैं। वापस से 10 यूसी का ट्राई करते हैं। लेट्स सी अगेन, हमें जो है यहाँ से ये वाले कॉइन्स मिल चुके हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा और स्पिन कर लेते हैं। अब ये जो स्पिन होती है ना प्राइम प्लस वाली, 18 स्पिन सिर्फ होती है, चौथी हो चुकी है, फिफ्थ चल रही है अपनी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो है फिर से यही वाला कॉइन्स मिल चुका है। तो ये प्राइम प्लस वालों को पता है भाई कि ये 18 वाउचर्स के बाद हमें मौका नहीं मिलेगा स्पिन करने का। तो जो भी है, अगर कुछ अच्छी चीज़ मिल गई, दो चीज़ें होती है प्राइम प्लस में। देखिए, ये जो आईडी में मैं आपको ट्रिक लगा रही हूँ, मेरे भाई की आईडी, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई खाली पड़ी है। मतलब वो उसने बहुत पहले रॉयल पास लिया करता था, तो उसके ही कुछ रिवॉर्ड्स है। तो जो ये आईडीज होती है ना, इसमें हाई चांसेस होता है कि कुछ अच्छे रिवॉर्ड्स मिल जाए, पहली चीज़, ठीक है। ये आप रिवॉर्ड देखो खाली। लेकिन कुछ जो बड़ी आईडीज होती हैं ना, जो लोग हमेशा स्पिन्स करते हैं, उनमें बहुत कम चांसेस होता है कि प्राइम प्लस में कुछ भी दे दे वो लोग। तो डेली देखो 10 स्पिन्स हो चुके हैं, अब मुझे नहीं लगता है कि कुछ मिले। ओके चलो, मिनी मटेरियल भी मिल चुका है यहाँ से, दो कोई मसला नहीं है। उसके बाद वापस से 12वां स्पिन है 10 यूसी का, ट्राई करते हैं, क्या पता कुछ अच्छा लग मिल जाए। ओके, क्या यार इसमें कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाती तो हो जाता। खैर, एक तो ये चीज़ हो गई कि आपने प्राइम प्लस परचेस किया, आपने इसमें अपना लक ट्राई किया 500 रुपीज़ लगा करके, एक चीज़ ये हो गई, और डेली आपको 300 यूसी मिल जाती है। दूसरी चीज़ ये कि आपको M4 टाइडल चाहिए ही चाहिए, या इस गन को आपको लेना ही लेना है, तो आप यूसी लगाओगे ही लगाओगे। उस केस में आपको ये परचेस करना ही चाहिए, क्योंकि वाकई में इसके अंदर प्राइम में भी डिस्काउंट मिल जाता है और प्राइम प्लस में भी डिस्काउंट मिल जाता है। तो अगर आप यूसी वगैरह परचेस करते हो और आपको स्पिन्स वगैरह करते हो, तो आप प्राइम और प्राइम प्लस स्किप मत करिएगा, हर मंथ का आप ले लो इसको। और अगर आप अपना लक ट्राई करना चाहते हो लाइक में, जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे बताया है, और ये मैंने आपको बताने के लिए परचेस किया, अदरवाइज उसको नीड नहीं थी M4 टाइटल की, बट लेट्स सी। तो यहाँ से हमें कुछ भी नहीं मिला गाइस, आप देख सकते हो, और मैं अभी आपको बताऊंगी कि लक का क्या हुआ, ठीक है, मैं भी आपको वो भी बताती हूँ। तो यहाँ से हमने जो है अभी देखो 19 स्पिन हमने यहाँ से कर लिया है, 19 स्पिन हमारी हो चुकी है। अगर मैं आपको लक की बात बताऊं, तो अभी फिलहाल के लिए आप 30 स्पिन हम और कर सकते हैं, 30 स्पिन और जाएगी हमारी। और यहाँ पर जो हमने सिर्फ 19 स्पिन किए, उसके 32 हमारे लक फुल हो गए। तो मान लो अगर नेक्स्ट आप जो है 30 और स्पिन करोगे, तो आपका लक यहाँ आ जाएगा, लेकिन शायद उससे पहले ही आपको जैम एक मिल जाए और एक आपको लक पर मिल जाए, तो दो ऐसे ही हो जाएंगे, आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये जो दो है, ये मान के चलो कि हाई चांसेस है कि आपको मिल जाए, उसमें भी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। और अगर आपने एक और एक प्राइम प्लस ले लिया, मान लो 28 तारीख को परचेस कर लिया, ठीक है, 28 दिन के बाद एक प्राइम प्लस होता है, तो अगर आपने 28 दिन तक के परचेस के बाद वापस से प्राइम प्लस परचेस किया, तो फिर आपको चांसेस है कि एक और जेम मिल सकता है, चांसेस है। तो एक मोटा मोटा हिसाब मान के चलो लक के हिसाब से, तो अगर आप यहां से आकर के परचेस करते हो 1500 यूसी वाला पैक, तो यहाँ से जो आपको यूसी मिल जाएगी, प्लस आपके कस्टम पैक्स जो मैंने आपको बताया अभी, जो मैं आपको बताऊंगी, वहाँ से अगर यूसी मिलती है, तो कुल मिला करके अराउंड आपको 1500 या 2000 में आपको हाई चांसेस है कि M4 टाइटल मिल जाएगी, अगर आपने ये ट्रिक से अप्लाई किया तो। तो यूसी अप का फिलहाल के लिए आप ये एक्सपेक्ट करके मत चलो कि अब आगे चल के आपको यूसी अप पे 60 यूसी मिलने वाली है, क्योंकि इन लोगों ने वो ट्रिक चेंज कर दी है, इन लोगों ने आपको यूसी की आदत लगा दी है, अब आप परचेस करो। लेकिन अगर आप यूसी परचेस पहले नहीं करते थे, तो मत परचेस करो, गेम खेलो सिर्फ, ठीक है।
ये एक चीज क्लियर हो गई। तो मैंने यहाँ पर 30UC का फिर से ट्राई मारा था। यहाँ पर आप देखो, जैसे आप गेम एक्सचेंज में जाओगे रिटर्न वाले में, तो यहाँ से आप इसको अगर आपके पास वो छोटे वाले भी होंगे ना कॉइन्स, जो हमको टाइडल था ना, वो टाइडल से भी आप यहाँ पर 50 टाइडल होंगे तो आप ये जम बना सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास 50 नहीं भी बनते तो नीचे आपको और भी रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे, मिनी मटेरियल मिल जाएगा, वो आप ले सकते हो यहाँ से जा करके। तो सबसे पहले यहाँ से हमें मिल चुका है एक बड़ा वाला मटेरियल, और ठीक है, नॉट बैड। अगर आपने 500 अगर आप यूसी वगैरह परचेस नहीं करते हो, परचेस करते हो और आप 500 का आपको एक जो है ये मिल जाता है मटेरियल फुल वाला। एक चीज़ ये आपकी क्लियर हो गई। अब चलते हैं कस्टम पैक में, ताकि आपका ये भी डाउट क्लियर हो जाए। भैया एक लाइक कर दो वीडियो को, मुझे कुछ नहीं पता। अगर आप रॉयल पास में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके पार्टिसिपेट कर लो। तो मुझे एक चीज़ बताओ गाइस, कस्टम पैक वालों, अभी देखो यहाँ पर मैंने कुछ भी यूसी परचेस नहीं करी है, जीरो अमाउंट दिख रहा है। अब हम चलते हैं कस्टम पैक में। अगर आपने कस्टम पैक परचेस किया है ना, तो प्लीज़ सही आंसर दीजिएगा, ताकि बाकी ऑडियंस को सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले ये बताइए, कस्टम पैक रिफ्रेश होता है क्या? लास्ट टाइम मैंने कल वाली वीडियो में शायद से 2 पैक परचेस किया था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। अगर आपको याद हो तो बताइएगा कि अगर ये रिफ्रेश होता है तो ये हमारे लिए और अच्छी बात हो गई। तो हम यहाँ से सिर्फ 20 वाला परचेस करते हैं। आपके स्क्रीन पर ये रहा, 20 रुपये लगा करके 15 UC हमें यहाँ से मिल रही है, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ से अब लेट्स सी पहले वहाँ पर काउंट होता है या फिर नहीं। तो मैंने मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि मैंने कल कितने पैक्स परचेस किए यहाँ पर, ठीक है। तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, तो मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगी। तो इसको कस्टम पैक को परचेस करने में यहाँ पर भी फ़ायदा होता है, क्योंकि यहाँ से आपको मिल जाता है ये वाला वाउचर, ठीक है। इस वाउचर का इस्तेमाल करके आप 50 UC का वाउचर भी आप ले सकते हो, तो वो भी आपके स्पिन में काम आएगा। तो यहाँ से आपको काफ़ी अच्छे वाउचर मिल जाएंगे, आपको सिर्फ डेली बेसिस पे कस्टम पैक परचेस करने हैं। अब यहाँ के हिसाब से तो नज़र आ रहा है कि कस्टम पैक रिफ्रेश नहीं होता है, लेट्स सी, किसी को पता होगा तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद ये देखिए, सॉरी, तो यहाँ से हमारा 15 जो हमने परचेस किया यहाँ पर काउंट हो रहा है। मतलब ये कि अगर आप कस्टम पैक को परचेस करते हो तो यूसी अप में आपका फ़ायदा हो जाएगा। मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि 31 तारीख का वेट करिए, 31 तारीख को एक अच्छा ऑफर आएगा। तो आप मेरी 31 तारीख की वीडियो मत मिस करिएगा, उसके अंदर भी आपको कुछ कस्टम पैक्स जैसे डिस्काउंट मिल जाएंगे, ठीक है। जो आने वाला है वो मैं आपको उसी दिन बताऊंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, एक चीज़ ये होगी। अब मैंने यहाँ से सोचा कि चलो भाई, यहाँ से मैं वापस से परचेस कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे यूसी अप परचेस करना है, मुझे परचेस करना है, इसलिए मैं कस्टम पैक परचेस कर रही हूँ। अदरवाइज आप नेक्स्ट अपडेट के लिए भी वेट कर सकते हो। अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं ना, आपने बस बचा के रखे, तो आप उसको बचा के रखो, नेक्स्ट अपडेट का वेट कर लो, तब आप परचेस कर लेना। तो यहाँ से मैंने 150 का कस्टम पैक परचेस कर लिया, 150 का या जितने का भी परचेस किया, ओके 10 वाला परचेस किया है, लेट्स सी वापस अकाउंट होता है या नहीं। तो मैं ये भी परचेस कर लूँगी 230 वाला, तो वहाँ से मैं वो डील वाउचर जो है मेरे वहाँ से इकट्ठे हो जाएंगे। देखिए, ये डील वाउचर भी हो जाएगा और यहाँ से हम यूसी अब भी परचेस कर लेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा डिस्काउंट हो जाएगा आप सभी के लिए। रॉयल पास में पार्टिसिपेट कर लो, डिस्क्रिप्शन की आईडी से लेकर के, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी लिंक, और 31 तारीख का वीडियो करिएगा, मैं उसमें आपको जो है विनर भी अनाउंस कर दूँगी, प्लस आपको जो न्यू यूसी ऑफर मिलने वाला है उसी दिन वो भी आपको बता दूँगी। कुछ इतना ज़्यादा वाला ऑफर नहीं, बट हाँ कुछ तो ऑफर मिल जाएगा एटलीस्ट आपको। अब इन लोगों ने जो सुपर रिवॉर्ड्स दिया है ना, यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो, इसमें भी इन लोगों ने घपले कर दिए। मतलब पहले वाले जो सुपर रिवॉर्ड्स आते थे उसमें 5000 स्पेंड करने पर आपको एक मटेरियल्स मिल जाते थे, मतलब उससे भी अच्छे रिवॉर्ड्स मिल जाते थे। लेकिन अब यहाँ पर भी इन लोगों ने गंद मचा दी है। सुपर रिवॉर्ड में कोई आपको अच्छा डिस्काउंट या कोई अच्छा ऑफर देखने को नहीं मिलता है, कुछ अच्छे रिवॉर्ड्स नहीं मिलते। यूसी अप में भी इन लोगों ने यही हाल कर दी। मिथिक फॉर्ज में अपग्रेडेबल गन दे नहीं रहे हैं, साथ ही साथ प्रीमियम क्रेट से अपग्रेडेबल गन निकाल दे रहे हैं। मतलब क्या है यार ये, अब इतने ज़्यादा इन लोग बढ़ते जा रहे हैं ना, अब क्या करेगा इस, खेल तो रहे हैं लोग, अगर गेम खेलना छोड़ दें तब ये लोग अच्छे रिवॉर्ड्स लेकर आएंगे, समझ रहे हो। अगर गेम इसी तरह से चलते रहा तो ये और रिवॉर्ड्स कम करते जाएंगे। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, खैर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना आप कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आप गेम खेलते हो तो उससे रिलेटेड आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा। बाकी अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें भी छुपी हुई है, यहाँ क्लिक करके चेकआउट कर लीजिए।